हाय रे, दिस इज मी आयशा एंड वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ, तो आप लोगों को मज़ा आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो कि आप लोगों को वीडियोज़ देख के अच्छा लग रहा है या नहीं, और क्या आप लोगों को शॉपिंग करने में ईजी हो रहा है मेरे रिकमेंड से या नहीं, तो वो भी मुझे बताते रहा करो। तो अभी मैं लेकर आई हूँ, टाइटल देखकर समझ आए क्या होगा, मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मिंत्रा के समर कलेक्शन टॉप। बहुत ही सस्ते एंड बहुत ही अच्छे और ब्रांड वाले, 70% ऑफ चल रहा है, फटाफट फटाफट शॉपिंग कर लो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से शॉपिंग किया तो मुझे इतने प्यारे प्यारे कपड़े मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग भी कर लो। तो फर्स्ट मैं जो टॉप दिखाने वाली हूँ, ये पिंक कलर का टॉप, साइड में वीडियोज में आपको दिख जाएगा, बहुत अच्छा लगा है। एंड जो इसका साइज है वो मैंने मंगाया है एल, आई गेस हाँ एल है, तो मुझे थोड़ा सा लूज है बट ठीक है, इट्स ओके। ये नॉट वाला है, साइड से इस तरीके से लेयर्स ये हुआ है, पीछे से पूरा ओपन है। इसको आप एज अ ब्लाउज भी यूज कर सकते हो अगर आप स्टाइलिंग कर सकते हो, और एज अ टॉप भी यूज कर सकते हो, जीन्स के ऊपर बहुत मस्त लगने वाला है। सेकेंड, ये ब्लैक कलर का टॉप, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका फैब्रिक उतना ज़्यादा आप वाव नहीं बोल सकते, बट जो इसका स्टाइल है ना बहुत अच्छा है। इसके जो स्लीव्स दिए हैं ना इन्होंने, वाव, ये इस पर बहुत सॉफ्ट एंड बहुत प्यारा सा कपड़ा लगाया है, फुल स्लीव्स कट है, फिटिंग बहुत अच्छा है, एल साइज है, पहनने के बाद बहुत बहुत सुंदर लग रहा है, और सिर्फ आगे 350 रुपये का है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, काफ़ी सस्ता लगा। एंड मुझे फिटिंग बहुत अच्छा लगा इसका ना, मेरे को लग नहीं रहा था कि मुझे इतना अच्छा लगेगा। थर्ड, ये बहुत सिंपल सा सैंडो टाइप का है क्रॉप टॉप, तो ये है H&M का, एंड ये भी है कि 318 समथिंग कुछ का है, साइज इसका भी L है। ये तो बहुत सिंपल से एंड बहुत प्यारे से आप इसको जिम वगैरह में कहीं भी कैरी कर सकते हो, अभी भी मैंने ऐसे ही पहना हुआ है। तो ये वाले टॉप तो मेरे पास लाइन लगी पड़ी है भाई साहब, बहुत है, बहुत अंदर से कहते हैं ना बहुत ज़्यादा। ये क्या है, लेट्स सी, ओके, तो ये है कॉटन का टॉप, इसमें ये इस तरीके से आप पहनोगे यहाँ पे, एंड पीछे से इसमें नॉट बांधोगे, या फिर पता नहीं नेक में इसे ऑल्टरनेट करके बांधना है। तो ये वाला मैंने अभी पहन के ट्राई नहीं किया है, तो पहन कर ही देखेंगे कैसा है, बट साइज आई गेस काफ़ी बड़ा आ गया है तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, तो इसको पहन कर देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। एंड कौन सा वाला मेरे ऊपर सबसे अच्छा लगा ये ज़रूर बताएगा, मुझे तारीफ सुनना थोड़ा अच्छा लगता है, इतनी मेहनत करती है तो फिर थोड़ा सा तो तारीफ बनती है ना। ये है H&M का टॉप, ये वाला सबसे महंगा टॉप है, ये 1300 का टॉप है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत प्यारा है, मुझे कॉर्सेट बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये लिया था। बट इसमें बस एक ही चीज़ मुझे वीक लगी, वो ये है कि इसमें पैडेड देने चाहिए थे इन्होंने ना, इन्होंने पैडेड नहीं दिए तो, बट काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, मैंने शूट किया था बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, पर ठीक है 1300 की कोई वर्थ नहीं है इसकी, बट मैंने तो मंगा लिया क्योंकि मेरे को अच्छा लगा था इसलिए। ओके, सो लास्ट है ये वाइट कलर का टॉप जो कि मैंने ऑर्डर किया था, प्योर कॉटन का कपड़ा, आप देख सकते हो आगे से फ्रिल वाला डिज़ाइन है और थोड़ा सा कट भी दिया हुआ है, यहाँ पे वायर पड़ा हुआ है ताकि वो ऐसे गुच्छू ना हो। तो इसका जो साइज़ है मैंने M मंगाया, एंड बहुत ही प्रिटी सा टॉप है, पीछे से इलास्टिक दिया हुआ है, किसी को भी आ जाएगा, लाइक साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं, मोटी लड़की भी पहन सकती है, पतली लड़की भी पहन सकती है। तो इसका प्राइस आई गेस मुझे ये 699 का पड़ा था। तो ये थे मेरे आज के सारे टॉप जो कि मैंने ऑर्डर किए थे, मिंत्रा से सेल चल रही थी तो मुझे बहुत सस्ते मिल रहे थे, एंड अभी पता नहीं क्या प्राइस हो गया होगा, आई डोंट नो, बट ये मैंने सेल में लिए थे, सारे 70% ऑफ थे एंड बहुत अच्छे टॉप लगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इस वीडियो पे कम से कम
500 कमेंट एंड 500 लाइक चाहिए। अब देखते हैं कौन कितने ज्यादा एफर्ट्स लाता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कुछ नहीं, और नेक्स्ट वीडियो क्या देखना पसंद करोगे वो भी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।